अभी हम गवी गंगाधरेश्वर मंदिर में आए हैं और इसका इतिहास मानेसर हमको बताएंगे। नमस्ते दोस्तों, और जो मंदिर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये मंदिर का नाम है गवी गंगाधरेश्वर मंदिर और ये हजारों साल पुराना मंदिर है और किसी को इसका ठीक से अंदाज नहीं है कितना साल से ये मंदिर है करके, इतना पुराना मंदिर है ये। और यहाँ पे इतिहास के प्रकार यहाँ पे गौतम ऋषि और भारद्वाज ऋषि यहाँ पे तपस्या किया हुआ है, तो ये बहुत ही पुराना मंदिर है। और इस मंदिर का एक बहुत विशेष है कि संक्रांति का दिन, हर साल संक्रांति का दिन शाम को 5 बजे शिवलिंग पर सूर्य के किरण पड़ते हैं। ये एक साल में एक ही बार होता है और वो भी संक्रांति का दिन शाम के 5 बजे ये अजूबा चलता है। तो ऐसे एक बहुत ही विशेष मंदिर है। तो ये मंदिर का अंदर अभी वीडियोग्राफी सब अलो नहीं है, इसीलिए ये जो खिड़की है ये पुराने मंदिर की खिड़की है। ये पता चलता है कि इस मंदिर की खिड़की से ही उस भगवान का डायरेक्टली दर्शन करे, इसलिए इस खिड़की का निर्माण किया हुआ है। ये पुराने जमाने का मंदिर है, फिर भी ऐसी रूपरेखा उसकी बनाई हुई आप देख सकते हैं। इधर भगवान के जो सर्प है, उन सर्पों का इधर ये पत्थर में उसकी मूर्तियां बनाई हुई आप देख सकते हैं। ये पुराने ऐसी मूर्तियां है आप देख सकते हैं। थैंक यू। ये जो मंदिर है ये बेंगलुरु में, छत्रपति शिवाजी राजे भोसले जी ने जो मंदिर बनाया है उसके बगल में ही ये भरद्वाज ऋषि और गौतम ऋषि की तपोभूमि है। तो जरूर इस मंदिर को आप भेंट दीजिए। हर साल जब संक्रांति होती है उस समय इस मंदिर के शिवलिंग के ऊपर सूर्य की किरण पड़ते हैं। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, आप जरूर एक ऐतिहासिक जगह पे आइए और इसका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करिए। इतना ही कहता हूं। और अंदर जाने के लिए हमको मना है क्योंकि यहाँ का अंदर का वीडियो निकालना मना है, इसलिए हम इधर ही रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।